चुनाव प्रचार थमने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ध्यान कार्यक्रम पर जाने वाले हैं। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मई से कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 48 घंटे के ध्यान कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह चुनाव आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मई से कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 48 घंटे के ध्यान कार्यक्रम पर सवाल उठाए। पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये चुनाव आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। चुनाव प्रचार थमने के बाद मोदी ध्यान के जरिए चुनावी प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने के कार्यक्रम पर चुनाव आयोग के तहत रोक नहीं है। कांग्रेस द्वारा कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित यात्रा के विरोध के बीच सरकारी सूत्रों ने बुधवार को ये बात कही है। सूत्रों ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का हवाला देते हुए कहा कि ये मतदान से पहले साइलेंस पीरियड के दौरान सार्वजनिक बैठकों या जनता के बीच चुनाव प्रचार पर रोक लगाती है। साइलेंस पीरियड मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले शुरू होता है। अंतिम चरण में 1 जून को होने वाले मतदान के लिए साइलेंस पीरियड गुरुवार शाम को 6 बजे शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भी इसी चरण में मतदान होना है। सूत्रों ने कहा कि हालांकि चुनाव कानून के प्रावधान कई चरणों में होने वाले चुनाव के मामलों में लागू नहीं होते, यानी जब चुनाव अलग अलग तारीखों पर होते हैं। उन्होंने इस संबंध में पिछले महीने चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए एक प्रेस नोट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कोई उस इलाके के बारे में बात नहीं करता जहां चुनाव हो रहा है, तब तक इस पर रोक नहीं है। आयोग ने पीएम मोदी को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह की अनुमति दी थी, जब मई में अंतिम चरण के दौरान वाराणसी में चुनाव निर्धारित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 2 दिन ध्यान लगाएंगे। उनके प्रवास के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 2000 पुलिस कर्मियों के अलावा अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां कड़ी निगरानी करेंगी। अधिकारियों ने बुधवार को तैयारी पर की। मोदी उसी स्थान पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन ध्यान लगाया था और विकसित भारत का सपना देखा था। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि मीडिया द्वारा मोदी के इस ध्यान लगाने के कार्यक्रम का प्रसारण न किया जाए, क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन करता है। उधर तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने भी कहा कि अगर मोदी का ध्यान कार्यक्रम प्रसारित होता है तो पार्टी आयोग से शिकायत करेगी।